एक डाउट है बच्चे का, मैंने आपसे कहा है जिसके भी डाउट है सेंड करो मुझे व्हाट्सएप पे, मैं आपको वीडियो बना के भेज रहा हूँ। क्वेश्चन समझिए, एन मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, एन मोल्स आपको गिवन है गैस के, अंडरगोज अ प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर चेंजेस विद वॉल्यूम, टी इज इक्वल्स टू के वी स्क्वायर, मतलब टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, टेम्परेचर वॉल्यूम से ऐसे चेंज हो गया। नाउ वर्क डन बाय द गैस एज द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम, आपको वर्क निकालना है जब टेम्परेचर टी नॉट से 4 टी नॉट हो जाए। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन में कौन सी गैस गिवन है, आइडियल, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, और टी की वैल्यू ये रही जो मैं यहां पुट कर रहा हूं। देखिए जरा, पीवी इक्वल टू एनआरटी की जगह के वी स्क्वायर, ये मैंने टी की वैल्यू यहां पर पुट कर दी। ठीक, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, वी स्क्वायर को मैं इधर लूंगा, तो बताइए पी वी अपॉन डिवाइड में वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां क्या बचेगा, एन आर और के। फिर अब बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती है डिवाइड में, तो पी वी यहां पावर थी 1 माइनस, ये ऊपर गया है पहले, इसको ऐसे लिख लो पी वी वी माइनस टू इज इक्वल्स टू एन आर के। नाउ बेस से पावर ऐड कर दो, पी वी 1 पावर ऐड माइनस टू 1 प्लस माइनस टू तो माइनस ही आएगा एन आर के। ठीक, अब क्या बचा, पी वी माइनस 1 इज इक्वल्स टू एन आर के, और मुझे बताएं एन नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, के कांस्टेंट, वी कैन राइट पी वी माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब कंपेयर करें तो ये इक्वेशन किसकी होती है, पी वी गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो क्या दोनों को कंपेयर किया जाए तो मेरे पास गामा की वैल्यू माइनस 1 आ गई, क्या गामा इज माइनस 1, ये हमारे पास आया। तो फर्स्ट मैंने इससे इतनी वैल्यू से गामा की वैल्यू निकाली। ठीक, अब वर्क डन का क्या फॉर्मूला है आपके पास, वर्क डन इज माइनस एन आर या टी टू माइनस टी वन बाय गामा माइनस 1, एडियाबेटिक में वर्क डन माइनस वही लिखना हो तो टी वन माइनस टी टू कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस नंबर ऑफ मोल्स एन गिवन है आर, व्हाट इज टी टू, फाइनल टेम्परेचर 4 टी नॉट इनिशियल टी नॉट डिवाइडेड बाय गामा की वैल्यू माइनस 1 और ये माइनस 1 एज इट इज, बताइए माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 और फिर माइनस एन आर, 4 में से 1 गया 3 टी नॉट बाय माइनस 2, ये कैंसिल माइनस से माइनस एंड व्हाट आंसर यू विल गेट 3 बाय 2 एन आर टी नॉट, दिस इज द वर्क। आ जाएगा सभी को।